हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी वंस अगेन। लास्ट टाइम मैंने ये बोला था, इस बार मैं ये बोल रहा हूँ। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, इवनिंग बोलना अच्छा है बिकॉज इवनिंग के टाइम में ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनको लेक्चर का नोटिफिकेशन जरूर जा रहे होंगे, तो आप उन पर ध्यान देते रहो। नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। खैर, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे अगर आपको याद हो तो सिमिलैरिटी नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम 10th महाराष्ट्र बोर्ड। वहां पे हमने स्टार्ट किया था कि क्या क्या चीजें हैं, एरिया का रेशियो क्या होता है, कैसे कैसे हमें उसे कैलकुलेट करना है, अगर बेस सेम है तब फॉर्मूला क्या होगा, अगर हाइट सेम है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बार एक रिवीजन उनका हम देख लेते हैं छोटा सा, और उस रिवीजन के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं सीधा अपना एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या दिया, क्या बोला था हमने लास्ट लेक्चर में, क्या बोला था कि अगर सपोज करो कोई दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा एक ट्रायंगल है सपोज करो पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इनका रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था बी वन एच वन अपॉन बी टू एच टू। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आया। इसी फॉर्मूले को मैंने बोला था कि अगर आपको याद हो, मैंने बोला था बाकी कुछ याद करो या मत करो, बट ये चीजें आप रन करने करके रखो। अगर आप इतना रन करके रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो यहाँ पे बी सी बेस हो जाएगा, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइट हो जाएगा, इसे मैं डी नाम दे देता हूँ, ए डी हो गया आपका हाइट, बी सी हो गया आपका बेस। यहाँ देखें तो क्यू आर आपका हो गया बेस, और पी एस नाम दे देता हूँ, ये आपका हो गया हाइट। डिपेंड करता है आप चाहो तो एडी भी बेस कंसीडर कर सकते हो, एसी भी बेस कंसीडर कर सकते हो, पीक्यू बेस कंसीडर कर सकते हो, पीआर बेस कंसीडर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम तो देखो मैं देना नहीं चाहता बिकॉज लास्ट वाले लेक्चर में ये सब हो रहा है। अगर यही सब हम करते रहेंगे तो हमें नेक्स्ट वाले टॉपिक को करने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन। फॉर्मूला ये याद रखो, अगेन मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, ऐसे फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इज इक्वल टू बी वन एच वन अपॉन बी टू एच टू। दैट्स बी वन एच वन मतलब बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, बी टू एच टू मतलब बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं सीधा। एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन। देखो अब कैसा है कि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हैं, ज्योमेट्री अगर ये आपके दूसरे कोई सब्जेक्ट होते तो उनके क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे लिख जरूर देना। बट आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगी, आई होप होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जाके तुरंत खरीदो। मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है तो आपको पता कैसे रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक होगी, जब भी इस लेक्चर को देखो तो आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, अदरवाइज सारे डिटेल्स तो मैं दे ही दूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर वन अगर हम डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ मेरे सामने बुक पड़ी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक, तो उसमें से मैं रीड करूंगा। तो दिया बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। हमें एक ट्रायंगल है, चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लो दिस इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 1 सपोज, इसका बेस हमें दिया है 9 एंड हाइट इज 5, ऐसा इन्होंने दिया। मतलब अगर मैं गिवन पार्ट इस क्वेश्चन का लिखने जाऊं, थोड़ा सा अगर मैं गिवन पार्ट की क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं, तो हम बोल सकते हैं बी वन हमें दिया हुआ है कितना 9 एंड एच वन हमें दिया हुआ है 5। अगर उन्होंने यूनिट यहाँ आपको दिया नहीं है, सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम इनको यूनिट्स में लिख सकते हैं 9 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उन्होंने, देखते हो क्या दिया, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। बोला एक और ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है और हाइट है उसकी 6। मतलब इन्होंने बी टू एच टू हमें दिया हुआ है, तो बी टू हमें दिया हुआ है कितना 10 यूनिट्स और हाइट मतलब एच टू हमें दिया हुआ कितना 6 यूनिट्स। ये इतनी चीजें हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है उसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। मतलब हमें ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी फॉर्मूले के, मतलब ये हमसे बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना होगा, इसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। देखा जाए तो भले भले मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बट पूरा क्वेश्चन आपके बोलते हैं। दो ट्राइंगल दिया हुआ, एक का बेस 9 हाइट 5 या दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस 10 हाइट 6, और बोल रहे दोनों के एरिया का रेशियो निकालो। तो हमने जितना पढ़ा है उसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। क्या होगा सॉल्यूशन इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। फॉर्मूला क्या है हमारा, बी वन एच वन अपॉन बी टू एच टू। जो जो चीजें हमें गिवन है उस बेस पे हम चलते हैं। मान करो
अगर ज्यादा ही आपको कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग करनी है तो आप इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर सकते हो। वैसे मैं बताऊं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इक्वेशन मार्क करना, बट आप चाहो तो कर सकते हो। इक्वेशन नंबर वन इसे मार्क कर लेते हैं। चलो V1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा V1 कितना है, 9 है। H1 की बात करते हैं, H1 हमारा 5 है। B2 की बात करते हैं, B2 हमारा 10 है। H2 की बात करते हैं, H2 हमारा 6 है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसे ऐसे ही रखो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आया 3 1 3, 2 2 4, ये आपका आया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। आपको यही पूछा गया था, आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना है, रेशियो के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 3:4। क्लियर है? आप जरूर इसको पॉज करके लिख सकते हो, नोट्स बनाओ। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ, नोट्स खुद से ही बनाओ। खुद से बनाए हुए नोट्स ज्यादा ही अच्छे होंगे आपके लिए, आपको ज्यादा कम थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, आदत है उनकी कि वो वीडियो देखेंगे, लेक्चर खत्म हुआ, लिख के हो गया, स्क्रीनशॉट मारा, काम कंप्लीट हो गया। बट ऐसा नहीं, आप स्क्रीनशॉट मारोगे तो आपको खुद वो चीजें धीरे धीरे आपके माइंड से दूर होती जाएंगी। आप उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, किस वे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसा तो गारंटी है नहीं कि मैं ये बोलूँ यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर बिल्कुल पूरा। बट ऐसा तो है नहीं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या परफॉर्म करना है। कुछ नहीं, फॉर्मूला एक ही हमने याद रखा, D1H1 / D2H2, इतना ध्यान में रखेंगे। तो इसको एक बार साइड हो जाता हूँ, आपको चाहिए तो आप पूरा एकदम पॉज करके लिख लो, लिख के हो गया तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज और आप ध्यान रखो, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको वीक में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये करना है, ऐसा नहीं। आपको डेली जितना पढ़ाया जा रहा है डेली प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप वीकली प्रैक्टिस करने में वीकली टारगेट बनाओगे ना, तो ऐसा होगा कि एक दिन चलो ठीक है आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, वैसे भी 6 दिन बचेंगे, ऐसे करते करते लास्ट में सिर्फ 1 दिन बचेंगे, बाकी 6 दिन क्या होगा। तो ऐसा बोलते डेली का टारगेट बनाओ, कम टारगेट बनाओ वो चलेगा, बट डेली टारगेट बनाओ, हाँ मुझे इतनी चीजें कंप्लीट करनी, उतना कंप्लीट करते जाओ, 100% यू विल गेट गुड मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल। चलो देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बुक में, इन द एडजॉइनिंग फिगर बीसी इज परपेंडिकुलर टू एबी। पहले मैं रीड कर देता हूं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप भी देखते हो। क्या दिया, बीसी इज परपेंडिकुलर टू एबी, एडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, बीसी इज इक्वल टू 4, एडी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। मतलब सेम क्वेश्चन, बस इस बार उन्होंने डायग्राम बना के दिया है। तो डायग्राम जैसा बनाया वैसा ही सेम डायग्राम मैं भी बना देता हूं। जिस तरीके से आपकी बुक में डायग्राम बनाया गया है, और डायग्राम में इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, कैसे हैं परपेंडिकुलर है। कुछ और गिवन हमें दिया हुआ, आप जो गिवन पार्ट दिया हुआ वो मैं लिख देता हूँ, अगेन वही सेम प्रोसीजर है। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, ये आप रूल याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो आप ऐसा कि सबसे पहले आप गिवन लिखो, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट। अगर बीच में सपोज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो बाद में फाइंड के बाद आप कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप स्टार्ट। इससे क्या होगा, टीचर को चेक करने में इजी होगा, तो इजी होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको चेक करने में प्रॉब्लम होगी। और एक बार चेक करने में इजी हुआ टीचर को, तो टीचर मार्क्स देने में बहुत इजी हो जाता है। मार्क्स चाहिए तो ऐसा कुछ करो कि टीचर को इजी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गिवन में हमें क्या दिया है, बीसी इज परपेंडिकुलर टू एबी, पहली चीज ये दिया होगा, BC is perpendicular to AB, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। दूसरा AD is perpendicular to AB बोला गया है, AD is perpendicular to AB again बोला गया है। दूसरा और कुछ गिवन है, हमें दिया है BC is equal to 4, BC देखिए C तक की वैल्यू कितनी है 4, अगेन कुछ बोला नहीं गया तो यूनिट्स लिखेंगे, कोई यूनिट दिया नहीं, तो BC is equal to हमें कितना दिया है 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे AD is equals to 8 दिया हुआ है, AD की वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है, तो AD is equals to कितना हो गया 8 यूनिट्स। और हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है उसके ऊपर भी देखते हैं। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, ये हमें ये हमारा गिवन पार्ट हो गया, ये हमें जो फाइंड आउट करना है वो पार्ट हो गया। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना सेम वे स्टोरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू बी1 एच1 अपॉन बी। पूरे एक्सरसाइज में ही और कोई फार्मूला नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलूं कि भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अलग कांसेप्ट आएगा, कुछ ऐसा है नहीं। मैं अगर होमवर्क दिया जिसको सही से समझ में आ गया होगा ना, अगर मैं सच में इस क्वेश्चन के बाद अगर मैं बोलूं बाकी कोई क्वेश्चन होमवर्क है आप सॉल्व कर लो तो आपसे लिटरली सॉल्व हो जाएंगे, बट मुझे पता है कुछ बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो आप देखते रहो, ऐसा नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू, पहले तो मैं बी वन एच वन लिख देता हूँ, b1 h1 upon b2 h2, b1 मतलब बेस, h1 मतलब हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, b2 मतलब बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, h2 मतलब हाइट ऑफ दिस। स्टार्ट करते हैं, b1 ट्रायंगल कौन सा, abc, यहां पे क्या लिखा हमने abc, तो abc ये रहा ट्रायंगल, इसके बेस को अगर हम ढूंढें तो क्या है इसका बेस, ab, सो ab हो गया। अगर हम इसके हाइट की बात करें तो हाइट क्या है bc, तो हाइट हो गया bc डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल को हम देखें, अगर ADB दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा क्या है ADB, ADB में अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा फिर से बेस क्या बनेगा AB। मैंने लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो बहुत अच्छे से मैंने एकदम क्लियर किया था, आप किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका यही बेस रहेगा, जो नीचे होगा वही बेस होगा, जो ऐसा खड़ा रहेगा वही हाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जिसे बेस मान रहे हो उसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही आपका हो जाता है हाइट। तो अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस सपोज करो AB मानता हूं, तो इस AD के परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है AD, ये आपका AD क्या हो गया हाइट, इन दोनों में AB AB सेम दिख रहे हैं तो AB से AB क्या हो गया कैंसिल, फाइनल हमारा क्या आ गया BC अपॉन AD, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। ऑन दैट इज पुट करते हैं, मार्क करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1, अब वैल्यूज पुट करते हैं, BC हमें कितना दिया हुआ है 4 यूनिट्स, AD हमें कितना दिया हुआ है 8 यूनिट्स, तो हम इसको वैल्यू क्या लिखेंगे फ्रॉम गिवन एंड वन, अगर रीजन आपको लिखना है तो बार बार बोलना, इस एक्सरसाइज में रीजन इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आप लिखो, बट आपको अगर लिखना है बहुत ज्यादा डिटेलिंग करनी है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड गिवन, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वन से मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन से मिला, वैल्यूज हमें गिवन से मिली, रेशो हमें वन से मिला, बस यही करेंगे 4 1 4 4 2 8, तो फाइनली हमारा आंसर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2, चाहे तो आप ऐसा लिखो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1:2, दोनों में से जो चाहिए आप वो आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, तो तुम्हारे बोल बात भी है, एक बार देख लो इसको अच्छे से लिख लो, हो गया। हाँ बच्चों, अगर कुछ डाउट रहे, कुछ भी ऐसा लगे आपको कि जो चीजें समझने में दिक्कत हुई आप उसको कमेंट करो, वहां पे कमेंट करो ताकि मैं बिल्कुल उसको टाइम टू टाइम खुद रीड करते रहता हूँ, मैं उसको आपको बिल्कुल उसका अपडेट मिलता रहेगा, जो भी डाउट्स रहेंगे जो भी चीजें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को हम और आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा, वैसे पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैं तो बोलता हूँ स्क्रीन ऑफ करके खुद से सॉल्व कर लिया, फिर स्क्रीन ऑन करके फिर से स्टार्ट कर लिया, क्या करना ही है, डेटा वैसे भी आपको फ्री का मिल रहा है, फ्री का तो नहीं मिल रहा है, फ्री ही समझो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QD इज परपेंडिकुलर टू PR, इफ RQ इज इक्वल्स टू 6, PS इज इक्वल्स टू 6 एंड PR इज इक्वल्स टू 12, देन फाइंड QD, मतलब डायग्राम इसमें भी हमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा खासा डायग्राम हमने बना के दिया है, उस डायग्राम को हम देखते हैं समझते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन को तुम इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो एक यही लगता है, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखता नहीं, बाकी समय तो सब नॉर्मल है। तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है,
अगर आप बुक लेके बैठे होंगे तो आपको साफ तो दिखना होगा। नेमिंग कर देते हैं कि क्या दिया हमें, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है टी, ये परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट का नाम दिया गया है टी। अब कुछ वैल्यूज जो हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं, पहले जो गिवन पार्ट हो रही है क्वेश्चन एज यूजुअल जैसा हम लिखते जा रहे हैं। पहला गिवन में क्या दिया गया है कि PS is perpendicular to RQ, PS RQ वाली लाइन की परपेंडिकुलर, मतलब PS is perpendicular to RQ। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने कि QT is perpendicular to PR, QT is perpendicular to PR, दो चीजें दी हुई है। कुछ वैल्यूज भी इन्होंने दिया है, RQ बोला है 6, R से लेके Q तक ये वैल्यू इन्होंने 6 दी है, RQ इक्वल टू 6। अगेन उन्होंने कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो हम यूनिट्स लेके काम चला रहे। तो क्या आरके हमारा कितना है 6। नेक्स्ट हमें दिया हुआ PS is equal to कितना 6, PS भी हमें कितना दिया है 6 यूनिट्स। और भी कुछ हमें गिवन डेटा दिया हुआ है ये 6 है ये भी, और जो हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, PR is equal to 12, P से लेके R तक, दूसरे कलर का चॉक यूज करूंगा, ये हमें दिया हुआ कितना 12 यूनिट्स, PR is equal to 12 यूनिट्स। और क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड QT, फाइंड करना है हमें QT, मतलब इस बार अगर आप देखो तो थोड़ा सा अगर सोचो ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, इसलिए अब तक के क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था, एरिया का रेशियो निकालो, एरिया का रेशियो निकालो, एक ही चीज करके मैं भी बोर हो गया, एरिया का रेशियो निकालो, एरिया का रेशियो, लेकिन अब हमें एरिया का रेशियो नहीं निकालना है, हमसे इन्होंने खुद पूछा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करोगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं, पहले तो हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। अभी तो मैं ज्यादातर डायग्राम में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं, लेकिन जैसे ही आपका सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज ये सब स्टार्ट होंगे ना, सबसे पहले हम डायग्राम में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। आपको डायग्राम एक बार क्लियर हो गया, आपको फिगर एक बार क्लियर हो गया, फिगर के अंदर से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपको फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखने का सिर्फ एक ही मेथड है, उसी मेथड से आप लिखते चले जाओ, एक ही फ्लो है वैसे ही लिखते चले जाओ, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। उसके लिए हम डायग्राम को समझ लेते हैं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं चलो डायग्राम को। इन्होंने क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है QT, हमें दिया क्या है, हमें 6 दिया है RQ और PS दिया है हमें 6। अगर आपको याद हो लास्ट वाले लेक्चर, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ऐसा कुछ डायग्राम आपको बना के दिखाया था, इसीलिए एक्चुअली मुझे पता था कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बनाया था। PQR मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है और मैंने बोला QR को मैंने बेस माना, तो हाइट क्या होगा इस ट्रायंगल का, हाइट क्या होता है एकदम सीधा खड़े रहना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसलिए इन्होंने इस पूरे इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि PS is equal to 6 है, because PS is the height when we consider RQ as a base, जब हम RQ को बेस कंसीडर कर रहे हैं तब PS हमारा क्या है हाइट इस ट्रायंगल के लिए PQ RQ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वो उसी मेथड का यूज करते हैं। हाँ, अब तक हमें एरिया का रेशियो पूछ रहा था तो हम रेशियो निकाल रहे थे, बट अब हमें एरिया का रेशियो पूछ नहीं रहा इस बार, तो हम सीधा एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR फॉर्मूला क्या था लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से याद दिलवाया था आपको, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, हाफ इनटू PQR, ट्रायंगल कौन सा है PQR, ये है इसका बेस क्या है RQ, RQ इनटू हाइट, हाइट क्या है PS, अभी डिस्कस किया हमने हाइट क्या है PS, तो आएगा हाफ इनटू, माफ कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हाफ
इनटू आई क्यू, आई क्यू कितना गिवन है हमें 6, तो 6 लिखा हमने। पीएस कितना गिवन है हमें, वो भी हमने 6 लिखा है, उसको भी हम 6 लिखते हैं और रिजल्ट में डाल देते हैं फ्रॉम 1 एंड गिवन, फ्रॉम 1 एंड गिवन, गिवन और 1 से हमें ये चाहिए मिल गए। कैंसिल कर देते हैं 2 1 2 2 3 6, तो 6 3 18 यूनिट स्क्वायर, एरिया का यूनिट स्क्वायर। आपने नाइन्थ में अगर पढ़ा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम तो बहुत अच्छे से होगा, और नाइन्थ में क्यों एट में बिठा आपको ऐसा नहीं है कि एरिया के यूनिट में स्क्वायर आता है, वॉल्यूम के यूनिट में क्यूब आता है, अगर लेंथ है तब कुछ नहीं आता, तब नॉर्मल रहता है, ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा होगा। मार्क कर देते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2, अभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे इन्होंने पूछा कुछ और है, क्या पूछा है, क्यूटी, तो उसके लिए चलते हैं। अच्छा क्यूटी अगर देखो, क्यू से लेके टी तक अगर ये निकालना कि ये भी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया गया है, बस ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, पी आर के ऊपर ड्रॉ किया गया है, किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, पी आर, तो हम अगर पी आर को बेस मान लें, थोड़ा सोचो अगर हम पी आर को बेस मान लें तो क्यूटी क्या हाइट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल क्योंकि बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया रहता है थर्ड पॉइंट से वही हाइट होता है, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही हम निकालेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is equals to 1 upon 2 into base into height, इस बार बेस हम किसे मानेंगे, PR को, height किसे मानेंगे, QT को। अच्छा area of triangle PQR, area of triangle PQR अगर हम देखें तो कितना है 18, already हमने find out करके रखा हुआ है, is equals to 1 upon 2 into base, base क्या है हमारा P से लेके R, तो PR into height, height क्या है हमारा Q फ्रॉम, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते तो फ्रॉम 2 एंड, फ्रॉम 2 एंड, चलो आगे बढ़ते, 18 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू पी आर की वैल्यू, अगर हम चेक करें तो पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12, कितना 12 इनटू क्यू टी, 2 और 2 2 6 12, तो आया कितना 18 is equals to 6 into Q। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, 18 is equals to 6 into Q2, ये QT, इसके नीचे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम वहां पे लिखते हैं, हम वहां पे स्टार्ट करते हैं, तो QT is equals to क्या हो जाएगा, 6 के इधर में चले जाएगा, तो QT is equals to 18 upon 6 और 6 1 जा 6 6 3 जा 18, so QT is equals to 3 units, और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। बोल समझ आया, तो वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दो ही क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज में बने हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, बट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं वहां पे कि जो कुछ तो आपको टफ लगे, तो आज के लेक्चर को यही बैंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ध्यान रखो।